हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा एनडी। आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने की सीरीज़ का लेसन नंबर 15। हम आपको सिखा रहे हैं डेली इंग्लिश कैसे बोले आसान शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन का सेंटेंस। फर्स्ट, उसने मेरा साथ दिया था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था साथ देने के लिए हम स्टैंड बाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हमें उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की। तो ही हैड स्टूड बाई मी, तो स्टैंड बाई की जगह पे स्टूड बाई आ जाएगा, ही हैड स्टूड बाई मी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिए उसको। वो अकला रहा था, ही वाज स्टैमरिंग। तो अकलाने के लिए स्पेलिंग है स्टैमरिंग का। आप डे बाई डे वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप अपनी आसानी से। तो ही वाज स्टैमरिंग। राहुल अकलाता है, तो राहुल स्टैमर्स। स्टेमर माने हकलाना होता है, तो राहुल स्टेमर्स। फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी। तो यहाँ पे बात के जगह पे स्पेलिंग आती है आर यू लिसनिंग टू मी। तो लिसनिंग टू मी या लिसन टू मी माने होता है मुझे सुनना या मेरी या फिर मेरी बात को सुनना। तो आप सिंपल यूज़ करेंगे आर यू लिसनिंग टू मी। मैं क्या क्या खा सकता हूँ, तो वॉट ऑल कैन आई ईट। जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आए क्या क्या के साथ, तो उसके लिए हमें ऑल का यूज़ करना है। तो वॉट ऑल कैन आई ईट। नेक्स्ट है, आजकल काम बहुत है। तो देयर आर ह्यूज वर्क प्रेशर दीज डेज। देयर आर ह्यूज वर्क प्रेशर दीज डेज। जब कभी ऐसा सेंटेंस आता है तो हम देयर आर का यूज़ करते हैं। लड़के चाय पी रहे थे, तो द बॉयज़ वर टेकिंग टी। तो हमने बताया था आपको कभी कुछ खाना है या पीना है तो हम उसके लिए टेकिंग का यूज़ करते हैं। तो स्नान के लिए, नहाने के लिए भी टेक के बाद का यूज़ किया जाता है। तो चाय पी रहे थे मीन्स द बॉयज़ वर टेकिंग टी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस है सॉरी। यही मोबाइल मैं चाहता था। आपने किसी का मोबाइल देखा और आपने उसको बोलना है कि यही मोबाइल मेरा मन था लेने का, मैं चाहता था, लेकिन आप ले नहीं पाए। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ द वेरी मोबाइल आई वॉन्ट। दिस इज़ द वेरी मोबाइल आई वॉन्ट। ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। सिंपल है, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर्स। तो यहाँ पे दोज आर योर बुक्स नहीं लिखेंगे। तो अगर दोनों सेंटेंस कम्बाइंड हैं तो फर्स्ट में तो दीज आर माई बुक्स और सेकेंड में दोज आर योर्स, यानी वो आपकी हैं। मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊंगा, तो आई एम डिटरमाइंड टू गो, या फिर आई हैव डिसाइडेड टू गो। तो डिसाइडेड मीन्स पक्का आपने डिसाइड कर लिया है, डिटरमाइंड मीन्स पक्का आपने डिटरमाइन कर लिया है या मन बना लिया है जाने का। तो आई एम डिटरमाइंड टू गो या फिर आई हैव डिसाइडेड टू गो। वह आजकल मौज में है, ये हम बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ करते हैं। तो ही इज़ इन्जॉइंग दीज डेज, यानी वो इन दिनों का आनंद उठा रहा है। तो ही इज़ इन्जॉइंग दीज डेज। तुम मेज साफ कर रहे थे, तो यू आर क्लीनिंग द टेबल। यू आर क्लीनिंग द टेबल। मेरे मित्र दोषी थे, माई फ्रेंड्स वर गिल्टी। गिल्टी माने दोषी होता है। हमने शिमला में खूब आनंद लिया, तो वी इन्जॉयड अलॉट इन शिमला। पहले बताया हमने आपको खूब के लिए हम अलॉट का यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने आनंद लिया, तो वी इन्जॉयड अलॉट इन शिमला। तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुंची है, तो योर रूड बिहेवियर। तो रूखे व्यवहार का मीन्स योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम, उसने चोट पहुंचाई है उसको। तो योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम। मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ, यानी कि आज से ही मैंने ज्वाइन किया है। तो आई हैव ज्वाइंड टूडे ओनली। आई हैव ज्वाइंड टूडे ओनली। इन सब फाइलों को लेकर आओ, ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। कोई भी चीज़ लाने के लिए आप ब्रिंग का यूज़ करेंगे, तो ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। चपरासी कमरे की सफाई करेगा, तो द पियोन विल क्लीन द रूम। सिंपल टेंस है। ये किताब किसकी है, तो किसकी के लिए हम हूज का वर्ड यूज़ करते हैं, किसका या किसकी के लिए, पहले भी आपको बताया है मैंने। तो हूज इज़ दिस बुक, हूज इज़ दिस बुक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। अगर आप अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।